नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ठेकेदार शमीम खान और इंस्पेक्टर रामनिवास यादव हत्याकांड मामले में आज बसपा नेता अनुपम दुबे का पैलेस सील कर दिया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमें मौजूद रही। अनुपम दुबे जेल में बंद है। कुछ समय पहले उसके एक गेस्ट हाउस को भी सील कर दिया गया था। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। फरुखाबाद जिले में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के ठंडी सड़क स्थित गुरु शरणम होटल को तहसीलदार ने सीज करने की कार्रवाई की। गैंगस्टर मामले में कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दुबे मौके पर पहुंची। इस दौरान तहसीलदार से उनकी नोकझोंक हो गई। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई थानों की फोर्स मौजूद थी। अवैध कारोबार करके उसके द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाई गई संपत्ति को फरुखाबाद पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर कुर्क कर लिया। उधर जिले में पेशेवर अपराधी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। करीब एक घंटे के बाद तहसीलदार और पुलिस तीसरी मंजिल पर गई। सभी कमरे बीएसपी नेता की पत्नी मीनाक्षी दुबे के सामने चेक किए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन में होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और कंप्यूटर के सीपीयू भी कब्जे में लिए गए हैं। बताते चले कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे, इंस्पेक्टर राम निवासी व ठेकेदार शमीम हत्याकांड में मैनपुरी की जेल में बंद है। जनपद कन्नौज के समदन निवासी ठेकेदार शमीम खान की साल 1995 में फतेहगढ़ में और गुरसाईगंज कोतवाली में तैनात तत्कालीन इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की साल 1996 में कानपुर के रावतपुर स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों मामलों में आरोपी बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे मैनपुरी जेल में बंद है। इन मामलों में उन पर रासुका की कार्रवाई भी हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार ये संपत्तियां अवैध रूप से धन अर्जित कर बनवाई गई हैं। इसके चलते जिला प्रशासन की नज़र इनकी दूसरी संपत्तियों पर भी है। जी हाँ, तो देखा आपने फरुखाबाद जिले में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के ठंडी सड़क स्थित गुरु शरणम होटल को तहसीलदार ने सील करने की कार्रवाई की। गैंगस्टर मामले में ये कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दुबे मौके पर पहुंची और उसी के सामने उसके होटल को सील कर दिया गया। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।